हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसा स्वीट डिश शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमई, जिसे किमामी सिमई भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी सामग्री। यहाँ पर हमने चिरौंजी लिया है, काजू है, बादाम है और किशमिश, मखाना, इलायची पाउडर और सब जो है 20-20 ग्राम है। और ये है सूतफेनी वाली सिमई जो 250 ग्राम है। मावा हमने घर पर बनाया था इसलिए मैं मावा भी ऐड करूँगी। 250 ग्राम के लगभग मावा भी है और ये है देसी घी। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ चाशनी में ही बना सकते हैं। यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हमने ऐड कर दिया है देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड या मूंगफली का तेल भी ऐड कर सकते हैं। और हमने इसमें सिवैयों को गर्म कर लिया है हल्का सा, क्योंकि ये सिवैयाँ जो हैं पहले से भुनी हुई होती हैं, लेकिन हमने थोड़ा इसे और गर्म कर लिया है। ये सिवई जितना देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। और अक्सर ये सिवैयाँ ईद के मौके पर ही बनाई जाती हैं। सिवई हमारी भुन चुकी है, अब उसी कढ़ाई में हम मावा को भी गर्म कर लेंगे। मावा चाहे घर का बना हो या मार्केट का हो, बनाते समय उसे एक बार ज़रूर गर्म करना चाहिए। मावा जब गर्म होकर पिघल जाता है तो बहुत ही आसानी से चाशनी में मिक्स हो जाता है। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो वो गुठलियों का रूप ले लेता है और खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो इस तरह से हम मावा को पिघला लेंगे और मावा हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई को साफ़ करके फिर से उसमें हम डालेंगे चीनी। चाशनी के लिए चीनी लगभग 600 ग्राम थी। इसी कप से हमने 4 कप चीनी लिया हुआ है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे इस गिलास से 1.5 गिलास पानी और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और लगभग 10 मिनट तक हम इसी तरह से चाशनी को चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी हमारी घुल ना जाए। और जब चीनी घुल जाए और आप चेक कर लीजिए कि हाथ चिपक रहा है तो समझ लीजिए आपकी चाशनी तैयार हो चुकी है। और चाशनी को हमें ना तो बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत पतला रखना है। आपको एक तार की चाशनी रखनी है। और आपने देखा होगा कभी कभी चाशनी बनाते वक्त सफ़ेद सफ़ेद उसमें झाग सा निकलता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा दूध डाल देना है। दूध डालने से क्या होता है कि ये जो सफ़ेद झाग बनता है वो ऊपर आ जाता है। और इसके बाद जब वो झाग इकट्ठा हो जाए तो आप उसे छलनी की सहायता से बाहर निकाल दीजिए तो आपकी चाशनी एकदम फ्रेश और साफ़ हो जाती है। और देखिए दूध डालने से सारे झाग बाहर निकल गए और चाशनी हमारी बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम परफेक्ट चाशनी। और हमें अब गैस फ्लेम को स्लो कर देना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं किया है। अगर आप ऑयली खाना पसंद करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को पहले आप फ्राई कर लें, और अगर नहीं खाना चाहते हैं तो बगैर फ्राई किए ही रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई नहीं किया है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी बादाम क्रश किया हुआ, काजू, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रख लेते हैं पहले से ही तो आप चाशनी में इलायची पाउडर डालने के बाद आप सिवैयों को डाल देंगे और इसके बाद फिर
ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं किया था, इसलिए हम चाशनी में ही पहले ड्राई फ्रूट्स को डालकर थोड़ी देर तक इसे पकाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए और फ्राई किया हुआ रहता है तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो थोड़ा सा पका हुआ रहता है। तो 5 मिनट तक हम ड्राई फ्रूट्स डालकर चाशनी को चलाएंगे। और जब चाशनी में उबाल आने लगे तो आप उसे 2 मिनट तक उबलने दीजिए। इस सेवई में आप जर्दे वाला कलर और केवड़ा जल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मैंने स्किप कर दिया है, मुझे नहीं पसंद है। चाशनी हमारी बहुत अच्छी तरह से उबलने लगी है, थोड़ी देर तक इसे हम उबलने देंगे। मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरी का लच्छा भी ऐड किया हुआ है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही, आप देख सकते हैं। गैस फ्लेम को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सिवइयों को। ये देखिए हम सिवइयों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब तक सारी सिवई चाशनी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है तब तक इसे हमें लगातार चलाते रहना है इसी तरह से, ताकि चाशनी, ड्राई फ्रूट्स और सिवई एक साथ सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब सिवई मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे मावा। ये देखिए मावा हमने इसमें ऐड कर दिया है। मावा डालने के बाद भी आपको लगातार सिवई को चलाते रहना है ताकि मावा और सिवई सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी खाने का टेस्ट बढ़िया आता है। हमें तो बहुत पसंद है इसलिए हम इसे कभी कभी बनाते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिवइयाँ लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपको कैसा लगा? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए इसी तरह से आप भी सिवइयों को बनाइए, खाइए और फिर हमारे साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस सिवई को एक बार जो भी खाता है इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।